हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए चार्ल्स लैम के फेमस ऐसे मॉडर्न गैलेंट्री की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे मॉडर्न गैलेंट्री बाय चार्ल्स लैम। गैलेंट्री शब्द का अर्थ होता है औरतों को विशेष इज्जत देना, शिष्टता या उनसे सम्मान पूर्वक व्यवहार करना। चार्ल्स लैम ने इस ऐसे मॉडर्न गैलेंट्री को इसी थीम पर बनाया है और उन्होंने ये बताया है, दिखलाया है कि 19th सेंचुरी इंग्लैंड में औरतों के प्रति जो सामाजिक व्यवहार था उसमें गैलेंट्री के जेन्युइन सेंस की कमी थी। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं कि जब कोई लेडीज बैठने लगती है तो हम उसके लिए पीछे चेयर लगाते हैं, तो ये एक तरह की गैलेंट्री है। वैसे गैलेंट्री का एक मतलब बहादुरी भी होता है। तो चार्ल्स लैम इस ऐसे की शुरुआत बात इस बात से करते हैं कि 19th सेंचुरी में लोगों में ये बड़ी धारणा थी कि प्राचीन समय की तुलना में 19th सेंचुरी के अंदर गैलेंट्री की भावना बढ़ गई है। चार्ल्स लैम इस विचार के खोखलेपन को बताते हुए कहते हैं कि 19th सेंचुरी में भी गैलेंट्री की भावना की, जेन्युइन भावना की बड़ी कमी है। हालांकि वर्तमान समय में हम सरेआम औरतों को विप करते हुए नहीं देखते हैं, कोड़े मारते हुए देखते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं कि इस लेडीज को कोड़े मारे जा रहे हैं, तो चार्ल्स लैम कहते हैं कि आजकल औरतों को कोड़े नहीं मारे जाते हैं या उनके साथ ऐसे ही और भद्दे व्यवहार, इल मैनर्ड तरीके से बात नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी सामाजिक जीवन में गैलेंट्री की भावना अभी भी गायब है। चार्ल्स लैम बेसिकली सामाजिक जीवन में दिखाए जाने वाली झूठी गैलेंट्री की भावना से कंसर्न करते हैं और उनका इस एसे को लिखने का प्राइमरी पर्पज ही यही है कि वो लोगों को इस एटीट्यूड के खोखलेपन को बताना चाहते हैं। कुछ मर्द क्या करते हैं कि वो अपर क्लास सोसाइटी में बैठे हों या कल्चर सोसाइटी में बैठे हों तो वो औरतों के सामने एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड को शो करते हैं और वो ये रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड उन्हीं औरतों को शो करते हैं जो जिन औरतों को वो जानते हों या वो औरतें उनकी रिलेटिव हों या वो औरतें किसी अपर क्लास सोसाइटी से, स्टेटस से, रैंक से बिलोंग करती हूं। लेकिन यही लोग, यही मर्द जब किसी लोअर क्लास सोसाइटी वालों से बात करते हैं या कोई समाज के गरीब तबके की औरतों से बात करते हैं तो वो इस गैलेंट्री की भावना को नेगलेक्ट कर देते हैं। लैम्ब ने अधिकतर ये देखा है कि मर्द थिएटर के अंदर जाकर सीटें रोक लेते हैं जबकि औरतों को सीट नहीं देते हैं और ऊपर से ये डायलॉग मारकर जख्म पर नमक छिड़कते हैं कि अगर तुम थोड़ी जवान या सुंदर होती तो मैं तुम्हें सीट दे देता। ऐसे रिमार्क हमें ये बताते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक लाइफ में 19th सेंचुरी में गैलेंट्री की भावना पूरी तरह एब्सेंट थी। वो ये कहते हैं कि ओल्ड हो या यंग हो, जवान हो, बूढ़ी हो, सुंदर हो, बदसूरत हो, गरीब हो, अमीर हो, हर तरह की औरतों के बीच में जो मर्दों की सोच में भेदभाव है उसे ही चार्ल्स लैम ने इस ऐसे में अपना प्रमुख निशाना बनाया है। औरतों के प्रति ये जो दोगला व्यवहार है इसको इस बात से भी हम प्रमाणित कर सकते हैं कि सूटेड बूटेड, वेल ड्रेस्ड, सूटेड बूटेड जेंटलमैन जो कि सभ्य समाज के पुरुष हैं वो बूढ़ी औरतों के प्रति ऐसा ताना मारते हैं जैसे कि वो बूढ़ी औरतों को बूढ़ी जवानी या खत्म हुआ बाजार कहते हैं। इस तरह के केस वास्तविकता में ये साबित करते हैं कि लैम के समय में सच्चे अर्थों में गैलेंट्री की भावना को प्राप्त नहीं किया जा सका था। चार्ल्स लैम
सार्वजनिक जीवन में हमारे को लगातार गैलेंट्री की भावना को शामिल करने पर जोर देते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं तभी ये मानूंगा कि एक अंग्रेज के चरित्र में सच्ची गैलेंट्री आ गई है जब वो ये देखेंगे कि एक फैशनेबल गैलेंट मर्द किसी सेब बेचने वाली औरत को जमीन से सेब उठाने में मदद कर रहा है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, वैसे ये औरत गरीब नहीं है। और या किसी मछुआरन को नहर पार करने में मदद कर रहा है, वैसे ये औरत मछुआरन भी नहीं है पर उसका फ्रेंड उसे नहर पार करने में हेल्प कर रहा है। फिर वो कहते हैं कि जब एक अमीर व्यापारी अपनी डिब्बे की छत पर बैठी हुई गरीब औरत को अपना बॉक्स कोट पहनाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये व्यक्ति इस लेडीज को कोट तो पहना रहा है पर ये लेडीज गरीब नहीं है, तभी सच्ची गैलेंट्री की भावना हमारे सामने आएगी। जब इंग्लैंड की सड़कों पर ये नजारे आम होंगे तो उनमें कोई छुपा हुआ इंटरेस्ट नहीं होगा, तभी लैम्ब ये मानेगा कि इंग्लैंड में गैलेंट्री की भावना जीवन में उतर चुकी है। लैम्ब के लिए गैलेंट्री का जो मॉडल था वो उसका दोस्त था जोसेफ पेस। देखिए चार्ल्स लैम्ब की एक खासियत है, इनके दो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, एक तो है एनेक्डोट, ये बीच बीच में कोई कहानी जोड़ देते हैं, और एक है मिंगलिंग ऑफ पैथोस एंड ह्यूमर। तो इसमें ह्यूमर तो हमारे सामने आ रहा है, बीच बीच में पैथोस की भावना भी आ रही है। ये जो जोसेफ पेस की स्टोरी है वो जो है इनके एनेक्डोट को शो करती है। जोसेफ पेस ब्रैड स्ट्रीट हिल का एक व्यापारी था और साउथ टी कंपनी के डायरेक्टर में से एक था। वो कभी भी औरतों के साथ अलग व्यवहार नहीं करता था, चाहे वो ड्राइंग रूम हो या बाजार की औरतें हो, यानी कि वो अमीर और गरीब, रिश्तेदार और आम, सब लोगों औरतों से एक तरह का ही व्यवहार करता था। वो गरीब नौकरानियों से भी सम्मानजनक व्यवहार करता था और सम्मानित महिलाओं से भी इसी प्रकार का व्यवहार करता था। ये देखिए, ये मान लीजिए कि ये जोसेफ पेस है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये कोई अमीर महिला आई है, उसने उसके लिए भी दरवाजा खोला है और यहां पर वो किसी गरीब महिला के लिए भी दरवाजा खोल रहा है। जोसेफ पेस को गैलेंट्री उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड ने सिखाई थी जब उसने एक गरीब लड़की को डांटा था और उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड की प्रशंसा की थी। पेस ने अपना सबक सीख लिया और उसके बाद उसने कभी भी अलग अलग स्टैंडर्ड और क्लास की औरतों के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं किया। इसलिए चार्ल्स लैम्ब के लिए गैलेंट्री का मतलब हर एज, चाहे वो औरत को सुंदर हो चाहे वो बदसूरत हो, हर क्लास, चाहे वो हायर क्लास की हो चाहे वो लोअर क्लास की हो, हर रैंक, हर कनेक्शन की औरतों के साथ एक तरह का सम्मानजनक कर्टियस व्यवहार दर्शाना ही रियल में गैलेंट्री है। सच्ची गैलेंट्री औरतों का सम्मान एक औरत के रूप में करने पर है। यहां पर मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि चार्ल्स लैम्ब ने यह भी कहा था कि औरतों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के प्रति सचेत रहें और अपने औरत के रूप में अपने सम्मान की मांग करें। सो आई होप फ्रेंड्स, ये छोटा सा मेरा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।